हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम है और आप देख रहे हैं हमारे पबजी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाला आप किस प्रकार से चिकन डिनर ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कहना कि मैं 5 किल करता हूं, 10 किल करता हूं, फिर भी मैं चिकन डिनर नहीं ले पाता हूं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है वो सब मर जाते हैं। तो मैं आप सभी को कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप उस टिप्स को फॉलो करोगे तो आप हमेशा चिकन डिनर ले पाओगे। तो इस वीडियो में आप सभी को गेम प्ले दिखाऊंगा और उस गेम प्ले मेरा खुद का खेला हुआ है, तो मैं किस प्रकार से गेम को खेलता हूं मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बड़ा है मजेदार होने वाला है, इस वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि रोजाना एक नई वीडियो अपलोड होता है, वो सब बटन से ले लेते हैं। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात आप सबको ध्यान रखना है कि आपको किस जगह पर उतरना चाहिए। तो अगर आप सभी को ज़्यादा लोगों को मारकर जीतना है तो आप स्कूल या कोचिंग की जगह पर उतर सकते हो। अगर आप नॉर्मल लोगों को मारकर जीतना चाहते हैं तो आप मिलिट्री बेस या फिर मिल्टा, तो दूर जैसे दूर जगह होता है उस जगह पर आप उतर सकते हो। तो वैसे तो आप प्लेन का डिसीजन किधर से आ रहा है उस जगह पे हिसाब से भी आप कूद सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्कूल पे उतर रहा हूँ। स्कूल पे उतरने के बाद यहाँ पे मैं जो भी लूट करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ और यहाँ पर जो भी लूट करूँगा, लूट करने के बाद मैं फुचंकी की तरफ चला जाऊँगा। तो पहले मैं जो भी मुझे गन मिलता है मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ। अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो मैं बहुत ही आसानी उस व्यक्ति को मार पाऊँगा। तो फाइनली मुझे एक M16A4 मिल चुका है, तो मैंने उसको भी ले चुका हूँ। उसके बाद लेने के बाद आपको रूम के अंदर चले जाना है। तो इसलिए रूम के अंदर जाना है, अगर ऊपर से को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो कोई व्यक्ति आपके ऊपर हेडशॉट लगा लेगा, तो आप तुरंत ही ऊपर से जो भी आपको गन मिलता है आप रूम के अंदर चले जाओ। रूम के अंदर जाने के बाद आप अगर हेडफोन लगा के गेम को नहीं खेल रहे हो तो आप हेडफोन लगा के गेम को खेलो, उससे बहुत सारे अगर गोली चलेगा किधर भी चलेगा तो आपको बहुत आसानी से आवाज़ सुनाई देगा। तो मैं हेडफोन लगाया हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ और देखता हूँ कौन व्यक्ति गोली चला रहा है। तो सामने में आप देख सकते हैं दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं दोनों व्यक्ति को मार देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट व्यक्ति पर मैं गोली चला दिया हूं और यहां पे एक व्यक्ति को मारा है, दूसरा व्यक्ति भी यहां पर होगा। तो मैं देखता हूं कहां पर वो व्यक्ति गया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं मुझे दूसरा व्यक्ति भी दिख चुका है, तो दूसरा व्यक्ति को मैंने गोली चला दिया है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी आप गेम को खेलो हेडफोन लगा के गेम को खेलो, और दोनों व्यक्ति को मारने के बाद तुरंत आप उस चीज़ को लूटने के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर तुरंत ही लूटने के लिए जाओगे, अगर तीसरा व्यक्ति कोई होगा नीचे छुपा हुआ तो वो आपको मार देगा। तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास स्कोप है तो आप देखते रहो कहाँ पर बाइक है, कहाँ पर क्या है, तो चारों तरफ देख लो। अगर आप सभी को बाइक दिख जाता है आप थोड़ा आराम भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी सर्कल छोटा होगा तो बाइक लेकर आप भाग पाओगे, या फिर कोई गाड़ी मिलता है तो वही बेटर है। और आपको कुछ देर वेट करने के बाद आप उस जगह पर उतर जाओ। उतरने के बाद आप देख सकते हो इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स के अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ दूसरा बॉक्स की तरफ जाके। तो जैसा कि आप जैसे दूसरा बॉक्स की तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पे वो बॉक्स गिरा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स गिरा हुआ है, तो इसको मैं रिसीव करके देखता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे इसमें DP मिल चुका है, DP गन मिल चुका है, तो मैं इस DP गन को ले लेता हूँ। लेने के बाद आप सभी को ध्यान ये चीज़ का रखना है, आपको तुरंत ही लेना है, तुरंत ही यहाँ से निकल जाना है, आपको एक जगह खड़ा नहीं रहना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने तुरंत ही गन को लिया, गन को लेने के बाद मैं इधर से उधर जाने लगा। और यहाँ भी आप देखो एक झाड़ी है, तो झाड़ी के अंदर छुप के आप जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉप करना चाहते हो तो इस तरह का चीज़ के ऊपर छुप के आप अगर आप ड्रॉप करोगे तो कोई व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा। तो ये एक अच्छा जगह होता है छुपने के लिए। अगर लास्ट मोमेंट में भी सर्कल मिला है तो आप उसका यूज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर बिल्डिंग में कोई होगा तो स्कोप लगा के आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बाइक दिख चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो बाइक की तरफ मैं जा रहा हूँ। और बाइक पर बैठने के बाद मैं आप पोचंकी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जितना लोग था मैंने उसको मार दिया, तब मैं पोचंकी की तरफ जाऊँगा। तो बाइक पे जैसे मैंने बैठा तो मुझे एक और बंदा मारने के लिए आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो वो बंदा मुझे देख चुका है, चलिए मैं बाइक से उतरता हूँ। बाइक से उतरने के बाद फिर से मैं उसको मारता हूँ। तो वो बंदा कहाँ पर मैं भागते उससे मारूँगा, जिससे क्या हो उस व्यक्ति को गोली चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने उस व्यक्ति को गोली मारा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बंदा है, तो जैसा कि आप देख सकते हो एक और बंदा है, मैंने उसको ही मार दिया। तो टोटल मुझे यहाँ 3 किल मिल चुका है। तो सोचो अगर आप यहाँ पे उतरोगे या फिर किसी जगह पे उतरोगे तो उतरते के साथ आपको 3 किल 4 किल मिल जाता है, तो सोचो लास्ट तक होते होते आपको कितना ज़्यादा किल मिल जाएगा। तो इस मैच में मैंने टोटल 14 व्यक्ति को मारा है। तो 14 व्यक्ति को जो मारा है तो सभी को सब तरीका से मारा है, क्योंकि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छा स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप गेम को खेलोगे तो आप आराम से जीत जाओगे। और पेशेंस इस गेम में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं बाइक की तरफ जा रहा हूँ, तो पहले मैं अपना हेल्थ भर लेता हूं, जिससे ये हुआ कोई व्यक्ति मारेगा तो मैं बच पाऊंगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको हेलमेट अपना जो बॉडी का कवच होता है उसके ऊपर ध्यान देना है, जब भी वो रेड होने लगेगा तो उसको फेंक के दूसरा बदल लेना।
और जैसा कि आप देख सकते हो मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ। बाइक पे बैठने के बाद मैं पोचिंकी की तरफ जाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं मैप में देख लिया कि कहाँ रास्ता है जाने का और मैं स्पीड में चला के जा रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सेम आपको इसी प्रकार से प्रोसेस करके खेलना है। आपको जब भी खेलो गेम को बचते हुए गेम को खेलो, ऐसा नहीं कि हर बार गेम को खेलो जिससे कि आप मर जाओ। आपको पेशेंस हमेशा रखना है। इसके साथ ही साथ देख सकते हो मुझे पीछे में एक जीप दिखा, तो चलिए मैं जीप के ऊपर बैठता हूँ। जीप बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर आप जीप के अंदर हो तो बहुत ही मुश्किल से कोई व्यक्ति मार पाता है। अगर किसी व्यक्ति पास कार 98 है और उसमें 8x स्कोप लगा हुआ है तो समझो आपको जीप के अंदर हेडशॉट लगा सकता है। पर अगर नॉर्मल बंदूक से कोई व्यक्ति मारेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं पोचंकी की तरफ जा रहा हूँ। पोचंकी की तरफ जाते समय अगर कोई व्यक्ति अगर आपको दिखता है स्क्वाड के साथ तो व्यक्ति को उतरना ही नहीं। अगर आपको सिंगल कोई व्यक्ति देखना है आप गाड़ी से उसको चिप सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने उस व्यक्ति को चिप दिया, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। कोई व्यक्ति आ रहा है तो आराम से उसको चिप दो। अगर आप चिप दोगे तो तुरंत ही वो व्यक्ति मर जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर देखा तो लेवल 3 का हेलमेट मुझे मिल चुका है और इसके अंदर कुछ और तो नहीं है। तो चलिए मैं इस व्यक्ति को लूट लिया हूँ। और उसके बाद आपको करना यह है कि पोचंकी का, और जैसा कि आप देख सकते हो पीछे में एक और बंदा मुझे मारने के लिए आ गया। तो उस बंदा को आपको करना यह है कि गाड़ी के पीछे सीट पे बैठ जाओ। पीछे सीट पे बैठने के बाद उस पर गोली मारो। अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तुरंत ही अपना सीट चेंज करो। सीट चेंज करने के बाद तुरंत ही गोली मारो, उसके बाद अपने आप को रिवाइव करो। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया, तो बहुत लोग करते ये है कि जैसे कोई बंदा दिखा गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरने के चक्कर में क्या होता है कि आपका जो कैमरा एंगल होता है वो चेंज हो जाता है और वो व्यक्ति तो आपको सही तरीके से देख पा रहे तुरंत ही आपको मार देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप उतरने से पहले ही आप गाड़ी का सीट चेंज करो, तुरंत ही उसको मार दो। यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे एक एयर ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ पे एयर ड्रॉप स्निपिंग करने मजा आएगा। तो जब भी अगर आपको एयर ड्रॉप गिरता है पास में ही तो आप एयर ड्रॉप स्निपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप स्नैपिंग करके ही 14 व्यक्ति को मारा हूँ। तो 5 व्यक्ति को मैंने अभी तक मार दिया। तो मैं आप सभी को और भी दिखाता हूँ 9 व्यक्ति को मैं किस प्रकार से मारा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्नैपिंग हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। और आपको एकदम दिमाग लगा कर रखना ये है कि एयर ड्रॉप जहाँ पे हुआ है तो वहाँ पर ही आपको देख के रखना है और छुप के भी रहना है, इसलिए क्योंकि एयर ड्रॉप हुआ है तो वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, किसी के पास स्कोप रहेगा तो आपको भी मार सकता है। जैसा कि आप देख सामने में ये एयर ड्रॉप लेने के लिए जा रहा है, तो ये व्यक्ति मैं बहुत ही आसानी से मार दूंगा। तो ये व्यक्ति को पता भी नहीं यहाँ पर मैं छुपा हुआ हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये व्यक्ति भागने लगा, तो 2 गोली तो इसको लग चुका है। देखते ही और भी कितना गोली लग के ये मरता है। तो जैसा कहाँ गया तो यहाँ पे फाइनली दिख चुका है। जैसा कि आप देखिए ये भाग रहा है बहुत तेज़ी से। अरे यार मर तो जाओ। तो फाइनली मैं इस व्यक्ति को मार दिया जैसा कि आपने देखा। और मैं यहाँ पे और भी स्ट्रेक करूँगा इसलिए क्योंकि एयर ड्रॉप यहाँ पे हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा सभी जगह आप स्कोप से देखने का। अगर आपके पास 6x स्कोप या 8x स्कोप 4x स्कोप है तो आप चारों तरफ एंगल देखो कि कहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घर है तो घर के अंदर कोई व्यक्ति छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए आप चारों तरफ देख लो। और यहाँ पे स्टे करके देखो कुछ सेकंड क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रॉप हुआ है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आप सभी का अगर सर्कल छोटा हो रहा है तो आप ये करो कि तुरंत ही गाड़ी में बैठो, तुरंत ही यहाँ से पोजिशन चेंज करो। तो जैसा कि मुझे लगा कि सर्कल चेंज हुआ है, तो जब मैं गाड़ी को आगे बढ़ाया हूँ तो जैसा कि आप देखो मैं गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि सेकंड जो एयर ड्रॉप हुआ है तो उसके बाद जाके मैं सेकंड एयर ड्रॉप स्निपिंग करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं सेकंड एयर ड्रॉप स्निपिंग करने ही जा ही रहा था, मुझे एक और बंदा दिख गया। तो पीछे मुझे एक और बंदा दिख गया, तो मैं फिर से अपना सीट चेंज करूँगा गाड़ी का। जैसा कि आप देख सकते हैं वो व्यक्ति अगर मुझे गोली भी चला गया, जैसा कि आप देख सकते हो वो व्यक्ति मुझे मार रहा है, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने सीट पर चेंज किया, तुरंत ही मैं उस व्यक्ति को मार दिया। तो ये बहुत ही कमाल का स्ट्रेटेजी है। और अंदर पे गाड़ी बैठ के मैं रिवाइव कर लिया अपने आप को। तो मैं सोच रहा था कि सेकंड एयर ड्रॉप के पास जाऊं, सेकंड एयर ड्रॉप के जाने के बाद सेकंड एयर ड्रॉप स्निपिंग करूं। तो मुझे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं वो आइडिया को छोड़ दिया और मैं फिर से देखता हूँ यहाँ पर एक और बंदा कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा घास के अंदर छुपा हुआ है, तो बहुत सारे लोग एकदम छुप के आपको मारेंगे, तो इसीलिए आपको पूरा ध्यान से गेम को खेलना है। तो पहले मैं अपने आप को रिवाइव कर लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बंदा मेरे सामने आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3-3 बंदा मेरे सामने आ गया, तो मैं गाड़ी से तुरंत ही उतर गया क्योंकि जो मेरा गोली का जो एमओ था वो ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए मैं गाड़ी से उतर चुका था और उतरने के बाद मैं भागते हुए उस बंदा को मारा। मारने के बाद मैं इस घर में वापस आ चुका हूँ।
इसलिए मैं आ गया क्योंकि यहाँ पर ही सर्कल बनेगा। तो बताना चाहूँगा कि अगर आप सर्कल आपके घर के पास ही बनता है तो आप दूसरी जगह मत जाओ, आप उसी जगह पर वेट करो क्योंकि सब लोग चलते फिरते आपके पास ही आएगा। उसके बाद छत पे अगर आप जाते हो, छत पर जाने के बाद आपको करना यह है कि आपको सो जाना है, जैसा कि मैंने सो गया हूँ। सोने के बाद आपको घुड़कते हुए आगे पीछे करना है, उससे यह हुआ कोई व्यक्ति अगर आपको गोली मारना भी चाहेगा तो मारने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप पहले बैठ के भी देख सकते हो कहाँ पर कोई बंदा है, अगर कोई व्यक्ति दिखेगा तो बहुत आसानी से उस व्यक्ति को मार पाओगे। अगर आप सोना चाहते हो सो जाओ या फिर बैठ जाओ। अगर आपके पास रेड जोन बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो मैप में रेड जोन बना हुआ है, तो रेड जोन अगर आपके पास बनता है तो आप तुरंत ही रूम के अंदर जा सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो पहले मैं अपने आप को रिवाइव करता हूँ, रिवाइव करने के बाद आप मैं रूम के अंदर चला जाऊँगा। तो फाइनली आप देख सकते हो मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। रूम के अंदर आने के बाद मैं रूम के अंदर से देखूँगा कौन व्यक्ति कहाँ से मुझे मार रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, रेड जोन अगर आप छत पर रहोगे या फिर नीचे रहोगे, अगर एक आग का गोला आपके ऊपर गिर गया तो वैसे ही आपका पूरा हेल्थ ख़त्म हो जाएगा। और मैं चारों तरफ देखता हूँ कहाँ पर कौन व्यक्ति है, अगर कोई दिखता है तो मैं उसको मार पाऊँगा। तो आपको अपना पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहना है, आपको हिल डोल करते रहना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फिर से मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। छत पे आने के बाद मैं देखता हूँ तो फाइनली मुझे एक व्यक्ति दिख चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस व्यक्ति को बहुत ही आसानी से मैं मार दूंगा, उस व्यक्ति को पता भी नहीं, मैं उसको देख लिया हूँ, आराम से मैंने मार दिया। तो जब भी आप गेम को खेलो हेडफोन लगा के खेलो, क्योंकि हेडफोन लगा के मैं गेम को खेल रहा हूँ इसलिए मुझे पूरा बारीकी से आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है। अगर कोई छोटा सा भी कोई व्यक्ति को कुछ भी आवाज़ आता है तो मुझे सुनाई दे देता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, आप सभी को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो देख लो, मैं फिर आप सभी से बात करता हूँ।
We'll be right back.
तो जैसा कि आपने देखा इस गेम प्ले को, मैंने इस गेम प्ले को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ खेला है। तो जब भी आपको गेम को खेलना है तो इसी पेशेंस के साथ खेलना है। तो लास्ट में बहुत ही ज़्यादा सर्कल छोटा हो गया था, तो उस टाइम सर्कल छोटा होने के बाद दो प्लेयर जिंदा थे, एक हम एक इनमी टीम। तो वो दोनों हार नहीं माना, तो वो भी हार नहीं माना था क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ खेल रहा था। तो मैं छत के ऊपर था, छत पर से मैं कुदकना भी चाह रहा था, मैं कुदकना नहीं चाह रहा था क्योंकि तुरंत ही कुदकूंगा वो व्यक्ति तुरंत ही मुझे गोली मार देगा। तो उसके लिए मैंने स्मोक का यूज किया, स्मोक फेंक कर मैंने तुरंत ही कूद का और वो व्यक्ति को मैंने मार दिया। तो इसी प्रकार से आपके आपको अगर स्मोक मिलता है या फिर आपको फेंक ग्रेनाइट मिलता है, आपको सभी चीज़ को उठा लेना, लास्ट मोमेंट आप सभी को बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो सपोर्ट किया होगा। और आप सभी को और भी पबजी गेम का और भी टिप्स एंड ट्रिक जानना है या फिर और भी कोई गेम प्ले देखना है जिसमें मैं 25 किल 30 किल करूँ, तो अगर आप सभी को देखना है तो इस वीडियो को हैशटैग यस लिख देना। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन एक वीडियो के साथ, गुड बाय एंड थैंक यू। Are you listening? Damn.